રાજ્યસભામાં સુષ્મા સ્વરાજ દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવી રહ્યું છે, આપણે સીધા જઈશું ત્યાં. उन्होंने उसे जेल में रखा या मार डाला, उसने कहा उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं. लेकिन उससे सूत्र पकड़कर फिर जनरल साहब हमारे वहां के राजदूत प्रदीप राजपुरोहित और इराक सरकार ने एक अधिकारी साथ दे रखा था, क्योंकि जिस दिन मैं सदन में बोली थी उस दिन इराक के विदेश मंत्री यही थे. और उनसे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जनरल साहब इस बार जब आए तो इराक सरकार का कोई व्यक्ति साथ हो ताकि उनको खोजने में आसानी हो. तो उन्होंने कहा था बिल्कुल भेजिए, हम अधिकारी देंगे. तो ये तीन जने, जनवीके सिंह, हमारे राजदूत और इराक का अधिकारी, ये तीनों बदूश के लिए निकले, क्योंकि संपर्क ये था कि बदूश में वहां ले गए. और वहां जब ये सारा घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कहां कहां, तो वहां उन्हें एक व्यक्ति ने कहा कि वहां एक माउंड है दूर गांव में, वहां लगता है बहुत लोगों को एक साथ दफनाया गया है, आप एक बार वहां जाकर देखिए. अब ये जब माउंड पे गए तो माउंड पे तो कुछ बाहर से दिखता नहीं था. तो इन्होंने इराकी अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके ये कहा कि मुझे डीप पेनिट्रेशन रडार चाहिए, डीप पेनिट्रेशन रडार से नीचे तक जाकर देखो कि नीचे क्या है. डीप पेनिट्रेशन रडार से दिखाई पड़ा कि नीचे बॉडीज हैं. तो जनरल साहब ने कहा इराक की अथॉरिटीज को कि इसको खुदवाइए और बॉडीज एक्सह्यूम कराइए. सभापति जी, पूरे का पूरा माउंट खुदवाया गया, बॉडीज एक्सह्यूम कराई गई और उस बॉडीज में से दो निशान ऐसे मिले, एक तो लंबे बाल मिले, एक कड़ा मिला, और कुछ आईडी कार्ड्स मिले, कुछ जूते ऐसे मिले जो कि इराकी जूते नहीं थे. सारे बॉडीज एक्ज्यूम कराई गई और वो सारे के सारे मॉर्टल रिमेन्स जो उस माउंड में से निकले वो बगदाद भेजे गए. इससे पहले चूंकि मोसुल के कब्जा मुक्त होने के बाद से 20-22 दिन तक किसी का कोई फोन नहीं आया था, तो उनके जिंदा रहने की उम्मीद कम होती जा रही थी और मृतक शरीरों में हम लोगों को ढूंढ रहे थे. तो जो मास ग्रेव्स थी वो एक मॉर्चुरी फाउंडेशन, वहां मार्टियस फाउंडेशन है जिसका विश्लेषण वो मास ग्रेव्स का कर रही थी. तो हमने उनको संपर्क किया था और कहा था कि आप हमारे लोग इसमें ढूंढ दो. तो उन्होंने कहा कि अगर आप डीएनए सैंपल ला दोगे या तो डायरेक्ट उनके माँ बाप के या सगे बहन भाइयों के, तो हम ढूंढ देंगे. तो हमने सबके डीएनए सैंपल, चार राज्य सरकारें इन्वॉल्व थी, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और बिहार, चारों राज्य सरकारों से संपर्क करके सबके डीएनए सैंपल उनको भेज दिए थे. तो वो डीएनए सैंपल उनके पास थे. जब हमने ये बॉडीज भेजी बगदाद में, तो हमारे राजदूत से हमने उनसे अनुरोध करवाया कि आप इसको जरा प्राथमिकता पर कर दीजिए, हमें लगता है कि ये हमारे लोग हैं, क्योंकि जो बॉडीज जिस तरह की दिखी है, जिस तरह के चिन्ह मिले, आप इनको देख लीजिए. हम बहुत शुक्रगुजार हैं मार्टियस फाउंडेशन के, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने जो हमने बॉडीज इस माउंड में से एक्ज्यूम करा के भेजी थी उसका उन्होंने डीएनए टेस्ट करना शुरू किया. सबसे पहला मैच किया संदीप नाम के लड़के का. जैसे उन्होंने खबर दी कि संदीप का डीएनए, तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि बॉडीज भी पूरी 39 थी, ये भी एक चिन्ह था, उसमें से बॉडीज भी पूरी 39 निकली थी. उसके बाद एक के बाद एक डीएनए होता चला गया. राजदूत खबर देते रहे, आज 5 हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 10 हो गए हैं, लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का डीएनए मैच हो गया है और 39वें का डीएनए 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है. तो डायरेक्टली माँ बाप का सैंपल नहीं है, क्लोज रिलेटिव का सैंपल है, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि प्रोसेस इज अंडर वे, हम इसको खत्म नहीं कर रहे, दोबारा देखेंगे, क्योंकि वो डीएनए बोन से निकाल रहे, हड्डी से निकाल रहे, बहुत जटिल प्रक्रिया है. लेकिन आज वो 1:30 बजे हिंदुस्तान के 1:30 बजे वहां से मार्टियस फाउंडेशन की हेड स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताएंगी कि जो बॉडीज भारत सरकार द्वारा हमें दी गई थी 39, उसमें से 38 के डीएनए मैच कर गए हैं और उन्होंने क्या डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया अपनाई है, इसका भी पूरा ब्यौरा वो वहां देंगी. और 39वें का अंडर प्रोसेस है. तो जो बात मैंने कही थी कि दोनों के पक्के सबूत हैं, यानी हरजीत मसीह अली बनकर निकला, इसका सबूत कंपनी का मालिक दे रहा है जहां वो काम करता था, और वो मारे गए हैं, डीएनए मैचिंग से बड़ा सबूत इसका नहीं हो सकता. लेकिन सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये काम बहुत जटिल था, बहुत ज्यादा दुर्गम था, बहुत ही कठिन था, इसमें बहुत बाधाएं थी. इतना बड़ा देश, बियाबान, रेगिस्तान, इतना बर्बर आतंकी संगठन, कि जब मोसुल मुक्त हुआ तो केवल लाशों के ढेर थे,
इतने मृतकों में से अपने लोगों को ढूंढना, मैं इसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपनी तरफ से जनरल वीके सिंह का। वो इतने तारीफ के काबिल हैं, मैं जितनी तारीफ उनकी करूं उतनी कम है। उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया, सारी कठिनाइयों को झेला। जिस दिन बदूश गए उस दिन रात को एक किसी गांव के एक छोटे कमरे में वो जमीन पर तीन लोग सोए हैं, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो अंत तक पहुंचे। और जो बात मैंने यहाँ कह दी थी कि बिना सबूत के मृत घोषित नहीं करूंगी, पक्का सबूत मिलेगा तो मृत घोषित करूंगी, वो वाकई वो सबूत खोज कर लाए। लेकिन उनके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इराक सरकार का, जिन्होंने हमारी बात मान करके अपना अधिकारी साथ दिया खोजने में, वरना मास ग्रेव्स में तलाशते रहते। अपना माउंट उन्होंने, और कौन करता है सभापति जी डीप पेनिट्रेशन रडार से पहले नीचे जाकर के देखना, फिर पूरे का पूरा गड्ढा, पूरे का पूरा माउंट खुदवाना, फिर बॉडीज एक्ज्यूम करानी, फिर उनको बगदाद ले जाना और वहां फिर परीक्षण करना। और तीसरा आभार मैं करना चाहूंगी मार्टियस फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को केवल स्वीकार ही नहीं किया, ये बात 27 जुलाई की है और आज वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वाले हैं कि हमारा ये डीएनए मैच कर गया है। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने 3 वर्षों तक बहुत धीरज से इस तलाश को जारी रखवाया और कभी मेरा हौसला पस्त नहीं होने दिया, हमेशा ये कहा कि तुम इस तलाश को जारी रखो। मैं अब ये कहना चाहूंगी कि हमने अपने राजदूत को कह दिया है कि वहां वो तैयारी करे, हम केवल घोषणा तक नहीं रुक रहे हैं। जनरल डीके सिंह जहाज लेकर यहां से इराक जाएंगे, उनके पार्थिव शरीर कॉफिन्स में पूरे सर्टिफिकेट के साथ, केवल उनके नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ नहीं, मार्टियस फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के साथ कि इनका डीएनए कला से मैच हुआ है, ताकि ये वही व्यक्ति है, उनके जहाज में उनके पार्थिव शरीर लेकर आएंगे। जहाज पहले अमृतसर उतरेगा, 31 लोग उसमें पंजाब के और 4 हिमाचल के, उनको हम वहां बॉडीज देंगे, फिर पटना जाएंगे उसी जहाज को लेके, जो बिहार के लोग हैं उनके पार्थिव शरीर वहां के परिवारजन को सौंपेंगे, वहां से कलकत्ता जाएंगे और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको सौंपेंगे। कहते हैं सभापति जी, मरे का सब्र आ जाता है, खोए हुए का सब्र नहीं आता। अगर ये खोए हुए रहते, मिसिंग कैटेगरी में रहते जो आज तक थे, तब तक एक आस बंधी रहती, क्लोजर नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था कि मैं पक्के सबूत के साथ क्लोजर करूंगी। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम उनके परिवारजन को उनके बच्चों की अस्थियां, उनके पार्थिव शरीर दे देंगे, तो भले ही रोध होकर सही, लेकिन वो क्लोजर कर देंगे। मैं चाहूंगी कि आज ये सदन उन सबके प्रति मौन रहकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे और उन परिवार को सांत्वना दे, जिन परिवार वालों के बच्चे 3 साल बाद भले ही जीवित नहीं, लेकिन कम से कम उनके पार्थिव शरीर उन तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, ये बहुत प्लीज, ये चर्चा का विषय नहीं, सवाल का विषय। राज्यसभा में सुषमा स्वराज द्वारा निवेदन આપવામાં આવ્યું, ઇરાક માં જે 39 ભારતીયો ગુમ થયા હતા તેને લઈને સુષ્મા સ્વરાજ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો। 2014-15 જુલાઈના રોજ તેમને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા, આઈએસઆઈ દ્વારા તેમને ખાતમો કરવામાં આવ્યો હતો અને તમામે તમામ લોકોના ડીએનએ જે રીતે મેચ થયા છે તે લોકોની બોડીને લાવવામાં આવશે એક સર્ટિફિકેટ સાથે। તો સાથે જ રાજ્યસભામાં જે રીતે સુષ્મા સ્વરાજ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું, ઇરાકમાં 39 ભારતીયો જે રીતે ગુમ થયા હતા, મોસુલમાંથી તેમની રેડ બોડી એક પર્વત પરથી મળી આવી છે, તે લોકોના ડીએનએ પણ ચેક કરી દેવામાં આવ્યા છે અને તે લોકોને પરત લાવવામાં આવશે અને તેમના પરિવારજનોને તેમના મૃતદેહ સોંપવામાં આવશે।